और जो एनआरसी के विरोध में है वो आज लड़ रहे हैं, खड़े हैं। तो ना तो ये आदिवासियों के हैं, न ये मुसलमानों के हैं, न ये पिछड़ों के हैं, न ये दलितों के हैं और न ये देश के हैं। ये देश के खिलाफ लोग हैं। और पता है आपको बहकाता कौन है? ये टीवी और अखबार, ये भी उन्हीं का है। जिस दिन आप लोगों ने टीवी अखबार देखना बंद कर दिया, इनका मीटर डाउन हो जाएगा। मत देखिए आप लोग टीवी अखबार, वो आपके खिलाफ जहर बोता है। वो टीवी अखबार वाले लोग संविधान के खिलाफ हैं। मैं जानता हूं, मैं एक पत्रकार हूं पेशे से, और मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बहुत गंभीर समय है। कुछ ऐसे लोग सत्ता में हैं जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, जिनके लिए झूठ बोलना और गद्दारी करना जिनके खून में, जिनकी विचारधारा में रही है। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो लोग मुगलों के साथ सेटिंग एटिंग करके रहते थे, वो लोग आज दूसरे को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस देश में सड़कें बनाई है, हमारे बाप दादाओं ने इस देश की बिल्डिंगें बनाई है, हमारे बाप दादा खेती करते हैं, हमारे बाप दादा जमीन जोड़ते हैं, और ये लोग सिर्फ इसी तरह की राजनीति करते हैं, देश को बांटते हैं और आपको अलग करते हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मुसलमान अकेला नहीं है। इस देश का जो एससी एसटी ओबीसी है वो उसके साथ है। ये वही लोग हैं जो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ये समझिए, आपको सिर्फ वोट देने से रोकने की तरीका है, कवायद है। ये चाहते नहीं है कि इस देश का जो 50